अब आइए आपको सीधे लिए चले मुजफ्फरनगर के तुलसीपुर, वहां पर मौजूदगी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अगर प्रारंभ किए याद करें 2014 में जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आई थी, तो उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की घोषणा की थी। उससे पहले बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खोलने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपये उस बैंक अकाउंट में होना आवश्यक होता था, लेकिन जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खुले या पहली बार हुआ है और करोड़ों लोगों ने इस संबंध में बैंक अकाउंट देश के अंदर एक अभियान चलाकर मिशन मोड पर लग करके अकाउंट खोले गए। और तब से आपने देखा होगा किसी भी योजना में, मैं अकेले एक दिन उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहा था कि हमने डीबीटी के माध्यम से कितना पैसा दिया होगा। अगर हम सामान्य यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह राशि लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास आती है। 3.5 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले होता है। और अगर प्रतिवर्ष जो ट्रांजेक्शन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर होता है, यह लगभग 75,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष है, जिसमें बैंकों के साथ लेन देन का जो भी मामले आते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को हम देखें तो 75,000 करोड़ का है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब कोरोना चरम पर थी, वैश्विक महामारी से दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने प्रयागराज की धरती में ऋषि सखी के इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आपने 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवाद उत्तर प्रदेश की ऋषि सखियों के साथ जो किया गया था, उस संवाद के कार्यक्रम को आपने अभी कुछ देर पहले यहां पर उस समय की रिकॉर्डिंग को देखा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 56,000 में बीसी सखी चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। 51,000 के चयन के कार्यक्रम के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, और उनमें से बड़ी संख्या में 41,000 ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी वीसी सखी ने अब तक 5,57,00,000 से अधिक ट्रांजेक्शन किया है, यानी 5,57,00,000 बुजुर्ग महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव की अन्य महिलाओं को, गांव के अन्य नागरिकों को 5,57,00,000 बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।